भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सेहत को बचा लो बीमारी पकड़ने से पहले। बीमारी पकड़ ली, लाखों रुपए खर्च करना, अपनी जान भी गंवा लेना। और पित्ते का मामला ऐसा है, अगर पित्ते में पत्थर आया तो पित्ता ही निकाल को फेंक निकाल दे, और किडनी में आया शूट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, फिर बार बार बनते रहता है। पत्थर खत्म होना कर तो मैं बोले सरकार, इंशाल्लाह अमल कर लियो, इंशाल्लाह पत्थर फिर जिंदगी भर आता नहीं, पित्ता में, किडनी में, सभी। क्या करना है तो एक अढ़ी लीटर पानी डालो, 50 ग्राम घोखरू के काटे, अढ़ी लीटर पानी को सवा दो लीटर बने तक पकाना, उसमें 50 ग्राम भुट्टे के बाल, 50 ग्राम घोखरू काटे जी, और 50 ग्राम जो है पत्थर चट्टे का पत्ता जी, और 50 ग्राम जैतून का तेल और 50 ग्राम अरंडी का तेल, मुस्तादंड डालना, दाल को अच्छा पकाना जी, अच्छा पका को अढ़ी लीटर को सवा दो लीटर पानी बनाना और जरा जरा खुद को पिलाते रहना जी। सुबह को खाली एक रोटी खिलाना बस, फिर शाम तक पिलाना, दोपहर को थोड़ा खाना खिलाना, फिर शाम तक पिलाना, क्योंकि तो पेट भर को खाना खा गया तो फिर पानी पी सकते नहीं। उसके बाद से एक रहना, रोज पिलाते रहना, पकाते रहना, पिलाते रहना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, इंशाल्लाह पेट पूरा खाली हो जाता है जी। इंशाल्लाह फिर उम्र भर ना पित्ता में पत्थर आता है ना किडनी में पत्थर आता है, और उसके बाद इंशाल्लाह तुम्हें हमेशा घर में सबको बना को पिलाते रहो, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार जी। हमेशा किडनी पाक रहती है, पित्ता पाक रहता है, वो आता नहीं, वो जैसे जड़ बोटियां, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। सब खाने पीने की चीजें हैं, डरना सो इंग्लिश गोलिया में क्या होता है कि साइड इफेक्ट को, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा हमेशा यूज करो इंशाल्लाह, तो पित्ता और किडनी के पत्थर खत्म होती।